बरेली थाना इज्जत नगर के ग्राम कुम्हरा के रहने वाले शबीर अहमद, जाकिर हुसैन एवं इब्ने हसन ने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बताया कि उन्होंने गांव में घूरे के गड्ढे बीमारी से बचने हेतु सफाई के लिए जिला अधिकारी एवं उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया था, जिस पर एसडीएम सदर द्वारा तहसील प्रशासन ने जांच कराई गई। आरोप है कि ग्राम प्रधान एवं लेखपाल की मिलीभगत से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर बिना कोई नोटिस दिए शब्बीर अहमद के घर को लगभग 7 फीट अवैध बताया गया, जो कि सरासर गलत है। इसके बावजूद भी 7 फीट बताते हुए 15 फीट तोड़वा दिया गया है एवं पड़ोस में भी धमकी देकर गए हैं कि उनका भी मकान तोड़वा दिया जाएगा। पीड़ित ने बताया कि वो कई बार उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, साथ ही निष्पक्ष जाँच की मांग की है। कूड़े कचरे के गड्ढे के ढेर भरे हुए थे, ढेर लगे हुए थे वहाँ पर। इन लोगों ने डीएम साहब को और एसडीएम साहब बरेली को ये प्रार्थना पत्र दिया कि साहब हमारे घर के सामने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उससे बदबू आ रही, बीमारी फैलने का डर है, गड्ढे साफ करवा दिए जाएँ। उस प्रार्थना पत्र पर जाँच की गई, लेखपाल महोदय गए, वहाँ के ग्राम प्रधान ने और लेखपाल ने कुछ सांठगांठ करके कुछ ऐसी रिपोर्ट माननीय जिलाधिकारी महोदय बरेली को पेश कर दी, जिसमें एसडीएम साहब या तहसीलदार महोदय ने जेसीबी मशीन ले जाकर कुछ लोगों घर तोड़वा दिए। ये लोग गरीब मजदूर लोग हैं, ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच कर लीजिए। आपने जब से मकान तोड़े हैं 5/5/2022 को, तब से ये लोग बराबर एसडीएम साहब के लगातार प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस इनका इतना सा निवेदन है कि साहब निष्पक्ष जांच कर ली जाए, एक नई टीम बना ली जाए, लेखपाल तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब के उसमें निर्देशन में टीम बना के मौके पर जाके जाँच कर ली जाए और सही जाँच करके जो भी हमारा मामला हमारा मतलब है बता दिया जाए। समाचार नज़र हर खबर पर।